इधर से ठीक है, चलिए इधर तो हो गया ना भैया, धगवा हटा दीजिएगा। हो गया, बन ही था। हाँ हाँ, बन रहा, बन रहा है, वीडियो बन रहा है। घूम के बाबा जी उधर काम कर रहे हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज का सीन क्या भयंकर सा हो रखा है यार, मतलब आप ना चेक करो एक बार, जस्ट लुक एट दिस भाई, क्या मज़ेदार कोहरा हो रखा है यार, मतलब इतना अमेजिंग सा, इतना अमेजिंग सा ना कि मैं क्या बताऊँ। एंड सूरज भगवान भी हल्के हल्के से झांक रहे हैं, आप चेक करो भाई साहब। एंड भाई जैसे ही मैंने देखा इतना भयंकर सा कोहरा ना, मैंने बोला आज तो ब्लॉग छत पे स्टार्ट करूँगा, कुछ हो जाए, ठीक है। तो हाँ भाई, ब्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर लिया, बट ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है। बिकॉज पता है क्या भाई, हवा भी इतना तगड़ा वाला चल रहा है ना, ऊपर रहने का मतलब छत के ऊपर खड़े रहने का हिम्मत ज़्यादा देर नहीं हो रहा है, बट फिर भी ब्लॉग स्टार्ट करना था तो क्या ही करता। बाकी फ़िलहाल अभी ना चलते हैं, मस्त गर्मा गर्म चाय वाय पीते हैं। एंड भाई चाय के बिना अपना दिन स्टार्टिंग का होता है भाई। फिलहाल मस्त अपना गर्मा गर्म चाय बन चुका है एंड मेरे हाथ में आ भी चुका है, तो फटाफट से मस्त गर्मा गर्म चाय निपटाते हैं, बिकॉज चाय मस्त है भाई। फिलहाल अभी जस्ट हो चुके हैं 10:30 एंड फाइनली मैं हो चुका हूँ मस्त नहा धो के रेडी। एंड भाई साहब अभी जस्ट ना अपना कुछ देर पहले ही का प्लान था कि भाई हमें औरंगाबाद निकलना था, बट सडनली कुछ ऐसा हुआ कि भाई औरंगाबाद का प्लान ही फ्लॉप हो गया, ठीक है। एंड प्लान फ्लॉप होने के बाद भाई मुझे लगा है तगड़े वाला भूख, बिकॉज मैं औरंगाबाद जा रहा था ना, तो मैंने सोचा उधर ही नाश्ता कर लेंगे, बट अब नहीं जा रहे हैं तो फटाफट से चलते हैं यार, मस्त गर्मा गर्म नाश्ता वास्ता करते हैं। एंड आज नाश्ते में बिहारियों का स्पेशल भाई लिट्टी चोखा। वैसे लिट्टी चोखा तो मैं हर दूसरे दिन ही खाता हूँ, ठीक है ना, होटल है तो भाई लिट्टी चोखा तो हर दूसरे दिन चलता ही है। बाकी फिलहाल ना चलते हैं, मस्त गर्मा गर्म नाश्ता वास्ता करते हैं, भूख तगड़ा लगा है। मस्त अपना गर्मा गर्म नाश्ता आ चुका है, लिट्टी चोखा चटनी अचार। तो हाँ अभी ना फटाफट से मस्त गर्मा गर्म नाश्ता निपटाते हैं, लिट्टी चोखा भाई भूख तगड़ा लगा है, लिट्टी भी भाई घी में लथपथ लथपथ। फिलहाल मस्त अपना नाश्ता पानी तो हो चुका है, एंड नाश्ता वास्ता करने के बाद पता है क्या, अभी जस्ट भाई साहब मूड स्विंग हुआ कि साइड पे काम चल रहा है घर का ना, तो चलता है यार थोड़ा सा साइड पे निरीक्षण करके आते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं। एंड जैसे ही पता है क्या, मैं अभी साइड पे जाने के लिए निकल रहा था ना, मम्मी का सडनली ऑर्डर आया है कि दुकान से ना कुछ कुछ सामान लेके आना है, मतलब घर से बाहर निकलो तो बिना कोई सामान लिए आना ही नहीं है। तो चलता है यार अभी दुकान से कुछ कुछ सामान लाना है तो सामान ले लेंगे, एंड साइड पे कुछ देर बैठेंगे यार, थोड़ा जैसे अभी घर पे बैठे बैठे ना थोड़ा बोर होने लगता है, अभी काम चल ही रहा है घर पे तो वहीं पे बैठते हैं, चलते हैं कुछ देर इंजॉय करते हैं। इंजॉय क्या करना है यार, जाते हैं निरीक्षण करते हैं, अपना सामान लेते हैं, फटाफट से वापस आते हैं ब्रो। जस्ट लुक एट दिस, अपने सुनील भी इधर ही हैं एंड काम चल रहा है, बस चल रहा है, चले ही जा रहा है। अच्छा है भैया, ये सब नहीं भरे का है, ये सब नहीं भरे का है। सुनील भैया पूरा घूम, नहीं क्लियर नहीं आ रहा है इधर से। हाँ इधर से ठीक आया, इधर से ठीक आया, चलिए इधर तो हो गया ना भैया, धगवा हटा दीजिएगा। हो गया, बन ही था। हाँ हाँ, बन रहा, बन रहा है, वीडियो बन रहा है। घूम के बाबा जी उधर काम कर रहे हैं, सुनील भैया निरीक्षण पे हैं। कितना पूरा पिलर है भैया, पूरा कितना पिलर ले? पिलर है 45 चार, 45 वो 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 हाँ भैया, अरे अरे गए गए, बच गए बच गए बच गए। लुक बड़ी मस्त मस्त आ रहा है आपका, लुक अच्छा अच्छा आ रहा है। इधर से काला काला आने लगा, इधर ही आ जाइए आप। और अंकल जी ठीक ठाक,
चले चले फिर कोई दिक्कत ना, बना के नहीं भेजेंगे ना। हाँ हाँ एकदम एकदम, आप नहीं आइएगा तो कैसे काम चलेगा, हम आपका वीडियो ले रहे हैं एकदम। तो ये एक नंबर आ गया। फिलहाल अभी जस्ट हो चुके हैं शाम के 4:30 एंड भाई साहब बताइए क्या साइट पे निरीक्षण करके, जहाँ पे घर बन रहा ना वहाँ पे कुछ देर निरीक्षण करके एंड भाई साहब कुछ काम निपटा के मैं घर पे फाइनली वापस आ चुका हूँ। एंड आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ यार कि मुझे ना बहुत देर से चाय का तलब लगा था। ठीक है तो मम्मी चाय चाय, मम्मी बोल नहीं रही है लेकिन मुंडी हमें ही ला रही है, तो हाँ कोई नहीं, फिलहाल चलता है मस्त गर्मा गर्म चाय वाय बनाते हैं, मस्त गर्मा गर्म चाय वाय एंजॉय करते हैं ब्रो। फिलहाल मस्त अपना गर्मा गर्म चाय आ चुका है तो फटाफट से चाय निपटाते हैं भाई। तो गाइस यार फिलहाल मम्मी डिनर बनाते हुए, एंड डिनर में क्या बन रहा है पता है, आलू का पराठा। एंड भाई साहब पता है क्या, मम्मी को ना नींद भयंकर वाला आ रहा है बट फिर भी मम्मी डिनर बना रही हैं, तो चलते हैं यार कोई नहीं, फिलहाल मस्त गर्मा गर्म डिनर करते हैं। मम्मी हंसाती है गाइस, मस्त गर्मा गर्म डिनर विनर करते हैं, मस्त आलू का पराठा और साथ में क्या है चटनी की सब्जी। सब्जी ब्लॉग में बताना है कुछ तो बोलो, भुजिया भी है सब्जी भी। अच्छा फिलहाल अभी जस्ट हो चुके हैं 10:30 एंड फाइनली मस्त अपना डिनर विनर हो चुका है। एंड अब मैं जा रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने, बिकॉज आज के दिन में ना ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं बट हाँ साइड पे हम लोग ज़्यादा देर तक रहे, मतलब पता है क्या यहाँ से ना आई थिंक 12 या 1 बजे तक चले गए थे। ठीक है जहाँ पे घर का काम चल रहा है ना वहाँ पे, एंड भाई साहब वहाँ से 4:30 बजे मतलब 3-3.5 घंटे साइट पे ही रह गए, तो इसी की वजह से ना ज़्यादा कुछ लंबा ब्लॉग बन नहीं पाया बट हाँ कोई भी नहीं, जो भी बनाए अच्छा बनाए मेरे लिए, बाकी आप लोगों के लिए कैसा है वो आप लोग कमेंट में बताना। बाकी आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बाकी फिर जो मर्जी करो, टेंशन फ्री रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। आलू का पराठा। एंड भाई साहब पता है क्या, मम्मी को ना नींद भयंकर वाला आ रहा है बट फिर भी मम्मी डिनर बना रही हैं।